वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एनएक्सटी। मैं पार्थ पंड्या और आज से सिर्फ एक हफ्ते में होने वाला है एनएक्सटी टेक ओवर सिएटल। और जब भी वो इवेंट होगा तब उस इवेंट में होगा आस्का वर्सेस शार्लेट का मैच। और आज आस्का आ रही है रिंग की तरफ अपना मैच लड़ने। हर बार की तरह आस्का कॉन्फिडेंट हो गए। ओ माय गॉड, शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या कर रही है? और ये ओ माय गॉड रनिंग फेस बस्टर, पीछे से वार किया। और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर एनएक्सटी में इन्वाइट करके आ चुकी है और सीधा हल्ला बोल दिया है आस्का पर। जब पिछली बार ये जो मिले थे तब आस्का ने शार्लेट को हराया था। ओ माय गॉड, एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट से वार किया आस्का के हेड पे। जब पिछली बार ये दोनों मिले थे तब आस्का ने हराया था शार्लेट फ्लेयर को, लेकिन इस बार फिर से मैच होने जा रहा है सिर्फ एक वीक में। इस बार शार्लेट फ्लेयर पिछली बार से ज्यादा डेंजरस लग रही है और ये बहुत ही बढ़िया स्विंगिंग नेक ब्रेकर। ये क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। आस्का अपना मैच लड़ने आ रही थी लेकिन उल्टा ही हो गया। शार्लेट फ्लेयर ओ माय गॉड रनिंग ड्रॉप सीधा आस्का के फेस पे, कुछ उल्टा ही हो गया और शार्लेट जाती हुई लेकिन रुक गई है। और आस्का फिर भी फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है आस्का, लेकिन शार्लेट को भी चाहता। ओ माय गॉड आस्का बैक फेस, शार्लेट को गिरा दिया है आस्का ने। ओ माय गॉड डीडीटी रैंप पे शार्लेट ने फ्लोट ओवर डीडीटी मारी है। फिर भी आस्का खड़ी हो रही है, फिर भी आस्का बुला रही है शार्लेट को। आस्का फिर भी ब्रॉल के लिए बुला रही है और शार्लेट ने एक तरफ देखा और बहुत ही बड़ी क्लोज लाइन शार्लेट ने मारी है, बहुत ही बड़ी क्लोज लाइन शार्लेट फ्लेयर के द्वारा। और अब ओ माय गॉड ये ब्रॉल आगे बढ़ रहा है ये ब्रॉल। ओ माय गॉड दोनों ही बैक एंड फोर्थ, लेकिन दो नी स्ट्राइक दी। ओ माय गॉड ये क्या कर रही है शार्लेट, सुप्लेक्स रैंप पे दोनों को चोट लगी है और रेफरी ने स्टॉप करा रहे हैं। हम चलते हैं बैक स्टेज। ट्रिपल एच कोई टास्क देना चाहते हैं लार्स सलिवन को। ओ माय गॉड उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कोई भी इस रोस्टर का ना हो, जो भी शायद स्मैकडाउन से हो तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर लार्स सलिवन को मिल चुका है। और ये बहुत ही स्मार्ट मूव है ट्रिपल एच की तरफ से, क्योंकि ये करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा शार्लेट फ्लेयर सिक्योरिटी तोड़ के एनएक्सटी में आ गई और उसके आस्का पे अटैक बोल दिया। लेकिन हम एपिसोड में कोई भी रुकावट नहीं होने देंगे क्योंकि अब ये होने वाला है अनडिस्प्यूटेड एरा वर्सेस सैनिटी का टैग टीम टोर्नेडो मैच। ये मैच होगा टोर्नेडो स्टाइल में, चारों के चारों रिंग में एक साथ देखने को मिलेगा आप सबको। तो थोड़ा यूनिक मैच है, आप सभी को बहुत ही एंटरटेनमेंट मिलेगा इस मैच से। और आ गए हमारे एनएक्सटी चैंपियंस, एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस काइल ओ'रायली एंड बॉबी फिश, दी अनडिस्प्यूटेड एरा। ये दोनों रेसलर्स की जो टैग टीम है, जब से वो आए हैं एनएक्सटी में हल्ला बोल दिया है, सभी टैग टीमों को एक के बाद एक हरा रहे हैं। और इस बार फिर से उनका मुकाबला है सैनिटी के सामने, लेकिन इस बार चैंपियनशिप के लिए नहीं है, नॉर्मल मैच है लेकिन टोर्नेडो स्टाइल में है। सैनिटी वही टीम है जिनके पास अनडिस्प्यूटेड एरा ने जिनके पास से ये चैंपियनशिप जीती थी टेक ओवर शिकागो में। तो वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आज वो दोनों रेसलर्स कैसे लड़ते हैं। पिछली बार शायद मेरे ख्याल से एरिकियम नहीं लड़ पाए थे, किलियन डेन और एलेक्जेंडर वुड लड़े थे, लेकिन आज एरिक यंग लड़ने वाले हैं, क्योंकि एरिक यंग ने पिछले हफ्ते बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी विक्ट्री पिक की थी जेफ हार्डी के ऊपर। और वो विक्ट्री
मेन इवेंट में, वो भी जेफ हार्डी के ऊपर। तो मोमेंटम बना लिया है एरिक यंग ने, और देखते हैं कि आज वो क्या करते हैं, उस मोमेंटम को जारी रखेंगे या नहीं। माफी की बात, किलियन डेन लड़ने वाले हैं एरिक यंग के साथ। किलियन डेन ने जो परफॉर्मेंस दिया था टोनी गार्गानो के सामने, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। 3 हफ्ते पहले जब दोनों आमने सामने हुए थे, टोनी गार्गानो वर्सेस किलियन डेन, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस था किलियन डेन का, तो वो बहुत ही एक फैक्टर होगा क्योंकि वो हार चुके थे। लेकिन आज वो क्या करते हैं वो देखने लायक है, क्योंकि आज वो एक टोर्नेडो टैग टीम मैच में है। पहली बार NXT में ये मैच होने जा रहा है रेसलिंग वॉर्स हमारे चैनल पे। तो देखते हैं कि ये मैच कैसा जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये मैच बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोनों टीम्स ऐसी हैं कि किसी टीम के साथ अच्छा मैच दे सकती है। और देख सकते हैं कि आप चारों के चारों रिंग में एक साथ, कोई भी टैग लेने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए इनको टोर्नेडो टैग बोलते हैं। और ये मैच की शुरुआत हो सकती है, किलियन डेन ने सीधा बॉबी फिश पे अटैक किया, काइल ओ'रायली ने एरिक यंग को और क्रॉस कर रहा है किलियन डेन, और बहुत ही नीचे टैग देने की कोशिश, लेकिन एरिक यंग ने रिवर्स लिया और किलियन डेन पावर बॉम्ब लेने की कोशिश, और यहां पे क्रूसिफिक्स पावर बॉम्ब एरिक यंग की तरफ से, वन सिर्फ एक पे किक आउट किया काइल ओ'रायली ने। धमाकेदार शुरुआत हुई है इस एपिसोड की, इस मैच की भी साथों साथ। मैच में कमेंट रिकवर करना काफी मुश्किल है क्योंकि चारों के चारों रेसलर एक साथ लड़ रहे हैं। हम अकेले कोई बात नहीं कर लेंगे, और ये यंग ने 10 बार टर्न बकल्स में उन काइल ओ'रायली के हेड को स्मैश किया, और अब देखिए किलियन डेन शोल्डर पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन काइल ओ'रायली ने रिवर्स करने की कोशिश की, वो चुराने की, लेकिन एरिक यंग टाइम पे पहुंच कर बुलडॉग दे दिया काइल ओ'रायली को, और एरिक यंग ने काइल ओ'रायली को बाहर भेज दिया है। और ये देखिए फिर से एक बार बॉबी फिश को पावर बॉम्ब दे दिया किलियन डेन ने। ऐसे मूव अगर चलते रहे तो देखने बहुत ही मजा आएगा। और ये देखिए डबल STO, ये टीम वर्क देखने को मिला हमें, डबल टीम वर्क वन, और लेकिन एक पे किक आउट किया बॉबी फिश ने, और ये बैक सुप्लेक्स दिए काइल ओ'रायली को एरिक यंग ने, और उनके हाथ पे वर्क कर रहे हैं, लेग ड्रॉप दिया है किलियन डेन ने, और अब बॉबी फिश को एरिक यंग ने मारने की कोशिश की, और ये क्या करने वाले हैं, और ये ओ माय गॉड ड्रॉ किया, इसी मूव का उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था इसी मूव का एरिक यंग ने जेफ हार्डी के ऊपर। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, अभी मुझे पहले से लग गई किलियन डेन को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा था बढ़िया था। और अभी भी मैच में दोनों टीम जूझ रही है अनडिस्प्यूटेड एरा सामने लड़ने की, और ये देखिए बॉबी फिश हर बार की तरह अपने ओपोनेंट के पैरों पे मारना शुरू तो कर दिया है अनडिस्प्यूटेड एरा, लेकिन किलियन डेन कोई भी नाम नहीं ले रहे हैं अपने ओपोनेंट को, चाहे वो बॉबी फिश हो या काइल ओ'रायली, दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये देखिए ओ माय गॉड फ्रंट स्लैम, और ये बहुत ही बढ़िया सेंटर, दोनों मार रहे हैं सेनिटी के मेंबर, और ये सुपर किक, और लेकिन ये एरिक यंग क्या कर रहे हैं, एरिक यंग पाइल ड्राइवर दी है, ओ माय गॉड बहुत ही बड़ी पाइल ड्राइवर एरिक यंग की तरफ से, और काइल ओ'रायली अटैक कर रहे हैं किलियन डेन के ऊपर, और काइल ओ'रायली एरिक यंग पे भी ट्राई की, लेकिन रिवर्स किया है एरिक यंग ने कफ किक के साथ, और फिर से एक बार बॉबी फिश के पास गए हैं एरिक यंग, और अब एरिक यंग ने स्कूप स्लैम दे दी है बॉबी फिश को, फिर से उठाया, ओह माय गॉड ओ स्नैप आइज काइल ओ'रायली को, और ये बॉबी फिश ने यहाँ पे रिवर्स किया है बहुत ही बढ़िया रोलिंग एल्बो के साथ, और ये सुपर किक दी है काइल ओ'रायली ने फिर से एक बार, लेकिन किलियन डेन ने बाहर फेंक दिया उनको, और अब बॉबी फिश रिंग में देख सकते हैं जितने के ऑस मचे हैं। और ये देखिए किलियन डेन बहुत ही बढ़िया स्टॉल सुप्लेक्स किलियन डेन की तरफ से, और अब एरिक यंग ने कंट्रोल लिया है बॉबी फिश का, लेकिन छोड़ दिया, और ये बहुत ही बढ़िया चौक,
और ये देखिए कॉम्बिनेशन, ओह माय गॉड कॉम्बो, और इसका स्ट्रोंग लाइन के साथ इसने कॉम्बो को फिनिश किया। और अब काइल ओ'रायली की तरफ बढ़ते हुए और ये फिर से एक बार बोल रहा रनिंग बोल रहा। और अब एरिक यंग टॉप रोप पे, बॉबी फिश वो बोल रहे हैं कि नहीं। और अब काइल ओ'रायली आते हुए और ये बॉबी फिश ने एल्बो ड्रॉप दे दिया सीधा उनके सिर पे, शायद नॉकआउट हो गए हैं बॉबी फिश। और अब एरिक यंग कंट्रोल लेने की कोशिश, लेकिन बॉबी फिश ने रिवर्स किया है बहुत ही बढ़िया कॉम्बो के साथ स्ट्रेट कॉम्बो। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया समोआ ड्रॉप, बहुत ही बढ़िया समोआ ड्रॉप। और ये पेन की कोशिश वन ओ, लेकिन एक पेन एक पेन की कल किया। और ये देखिए काइल ओ'रायली की ताकत देखिए, ओह माय गॉड ब्रेन बस्टर, ब्रेन बस्टर दिया है किलियन डेन को ब्रेन बस्टर। और बॉबी फिश स्टॉम्प कर रहे हैं काइल ओ'रायली, किलियन डेन को बॉबी फिश ने आयरिश व्हिप किया है, आयरिश व्हिप किया है एरिक यंग को, लेकिन टकराव हो गया। और ये उसी बात का फायदा उठाया, थोड़ा टाइम मिला उन्हें और ड्रॉप किक दे दी। और बहुत ही बढ़िया रनिंग नेक ब्रेकर काइल ओ'रायली पर, किलियन डेन ने बाहर फेंक दिया है बॉबी फिश को। और अब एरिक यंग ओह माय गॉड बैक बॉडी ड्रॉप एरिक यंग की तरफ से, एरिक यंग कुछ भी बाकी नहीं चाहना छोड़ना चाहते हैं, सभी मूव का इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने ओपोनेंट को डेसिमेट करना चाहते हैं। और ये देखिए किलियन डेन बाहर की ओर पावर बॉम्ब, सिट आउट पावर बॉम्ब। और एरिक यंग टॉप रोप पे मूनसॉल्ट, लेकिन डबल नीज काउंटर किया है उस मूनसॉल्ट का काइल ओ'रायली ने। काइल ओ'रायली बड़े मूव के लिए गए, लेकिन चॉप ब्लॉक सीधा उनके पैरों पे, सीधा उनके पैरों पे चॉप ब्लॉक। और ये देखिए किलियन डेन मैन हैंडलिंग बॉबी फिश, जिस तरह से वो मार रहे हैं। और ये फिश ने रिवर्स किया है, लेकिन कोई बेटा ओ माय गॉड ये गलती से बीच में आ गए हैं यंग, और हेड बट उनका किलियन डेन का इनको लग गया, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत ही ओ माय गॉड काइल ओ'रायली का ओ खतरनाक कॉम्बो काइल ओ'रायली की तरफ एरिक यंग को। और अब एरिक यंग ने रिवर्स किया है बहुत ही बढ़िया काफी, और किलियन डेन अंदर की ओर संभाल रहे हैं बॉबी फिश को। और ये फिर से एक बार ओ माय गॉड ने ओनो ओ फिर से एक बार पावर बॉम्ब, फिर से एक बार पावर बॉम्ब दिया है और पिन के लिए गए हैं वन टू ओ किक आउट कर दिया। दोनों रिंग में बॉबी फिश को धो रहे हैं। और ये देखिए डेथ वैली ड्राइवर, डेथ वैली ड्राइवर, ये डेथ वैली ड्राइवर पहले कभी नहीं देखा हमने ऐसा। और ओ माय गॉड लास्ट डांस लेग ड्रॉप पिन किया है वन, ओ माय गॉड एक पे किक आउट बॉबी फिश ने, एक पे किक आउट किया है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड क्या खेल रहे हैं एरिक यंग का क्या परफॉर्मेंस, क्या बात करें इन दोनों स्टार्स की, दोनों टीम्स की। और ये फिर से डिस्कस क्लोज लाइन वाला कॉम्बो, जी हाँ लग गया इस तरह रोलिंग एल्बो के साथ अपना कॉम्बो पूरा किया काइल ओ'रायली ने। और ये सुपर किक दे दी है। और अब ये देखिए एरिक यंग व्हील बैरो नेक ब्रेकर अपना फिनिशिंग मूव, और ये पावर बॉम्ब और ये एल्बो फिनिशिंग मूव दोनों ने अपनी लगा ली है। तो क्रिस सैनिटी ने टैग टीम चैंपियंस पे विक्ट्री हासिल कर ली है, और इससे बड़ी बात हो ही नहीं हो सकती। एरिक यंग बैक टू बैक 2 weeks विक्ट्री हासिल की है, लास्ट वीक जेफ हार्डी के ऊपर पिन करके क्लीन विक्ट्री, और आज अनडिस्प्यूटेड एरा पे क्लीन विक्ट्री, टैग टीम चैंपियंस करंट टैग टीम चैंपियंस उन पे विक्ट्री। तो जो मोमेंटम बनाया है एरिक यंग ने वो बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं कि क्या फ्यूचर होगा टीम सैनिटी का, एरिक यंग अलेक्जेंडर वुल्फ और किलियन डेन, ये देखने वाली बात होगी।
किया है, फ्यूचर में टाइटल्स अपॉर्चुनिटी मिलेगा मिलेगी या नहीं, तो ये तो हम अभी नहीं बता सकते कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, लेकिन एक बात का प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं क्योंकि अब हम अपने दूसरे मैच की ओर, आज का दूसरा मैच और आखिरी मैच ओनील और कन और वेलवेटिन ड्रीम का होगा, और वो मैच होने जा रहा है अभी इसी वक्त, क्योंकि लास्ट में ट्रिपल एच मेन इवेंट में शो को क्लोज करेंगे क्योंकि उन्हें प्रोमो देना है टीम स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन इससे पहले ये मैच होगा ओनील और कन क्राउड फेवरेट ऑन लोकन रिंग में आ रहे हैं और बहुत ही शानदार मिड कार्ड रेसलर है, किसी के भी सामने उस रेसलर को छोड़ो ओनील और कन कभी भी हार नहीं मानते, और कोई भी बड़ा स्टार हो या छोटा ऐसे उन्हें फाइट देते हैं कि वो दूसरी बार याद रखें ओनील और कन कौन है, तो यही गोल है, हर बार ऐसा परफॉर्मेंस दे, हर परफॉर्मेंस एक से बढ़िया एक हो, एक से बढ़ के एक हो, मेरा एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ऊंचा है क्योंकि वेलवेटिन ड्रीम काफ़ी दिनों के बाद इन रिंग एक्शन में हमें देखने को मिलेंगे, मन चार हफ्ते हो गए, तीन चार हफ्ते लास्ट बार वो टैग टीम मेन इवेंट मैच में देखने को मिले थे, और इस बार अब सिंगल्स ओनील और कन के सामने उनका मैच होगा, लास्ट वीक भी वो आए थे तब लार्स सलिवन और टाइलर बेट का जो मैच था वो उन्होंने उस मैच में दखलगिरी की थी और क्वालिफाइंग होने से रोक लिया टाइलर बेट को, और उनकी बदली में लार्स सलिवन क्वालिफाई हो गए उस मैच में, तो इसके लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को की है इन्हें वेलवेटिन ड्रीम ने टाइलर बेट को, अब देखते हैं कि आज वेलवेटिन ड्रीम ओनील और कन के सामने उनका मैच है क्या ओनील और कन कैसा परफॉर्म करेंगे ये तो हम देखेंगे, और एक बात तो प्रॉमिस है ये मैच बहुत ही बढ़िया होने वाला है, एनएक्सटी के हर मैच ऐसे ही होते हैं, एक्साइटमेंट लेवल भी काफ़ी हाई है क्योंकि अभी सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, 2 फरवरी नेक्स्ट सैटरडे एनएक्सटी टेकओवर सिएटल है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिन्होंने किया है और ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि नेक्स्ट सैटरडे देखना ना भूले एनएक्सटी टेकओवर सिएटल, लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे इस मैच की ओर, और बेल बज चुका है और मैच शुरू हो चुका है, ये देखिए माइंड गेम्स खेलते हुए टॉन्ट किया है, लेकिन ओनील और कन ने अपरकट से शुरुआत की है इस मैच की, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, रनिंग अपरकट एक बार फिर से अपरकट ट्रेन, इन्हें देखकर मुझे सजारों की याद आती है क्योंकि उनका लुक भी ऐसा है और अपरकट भी वैसे ही मारते हैं, और वेलवेटिन ड्रीम को फिर से एक बार कॉर्नर में डाला है और अपरकट, लेकिन इस बार रिवर्स करके यूराना भी लेती है वेलवेटिन ड्रीम, ऐसी शुरुआत ओनील और कन हर बार ऐसे ही खेलते हैं, बहुत ही फास्ट है उनकी रेसलिंग स्टाइल है, उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, और उनका जो मूव की जो इम्पैक्ट होती है वो भी बहुत ही बढ़िया होती है, और इसीलिए इस मैच को देखने का मज़ा आता है, ओनील और कन के हर मैच को देखने का मज़ा आता है, NXT के कोई भी मैच डिसअपॉइंट नहीं करते हुए, और वेलवेटिन ड्रीम यानी क्लोज लाइन दी है ओनील और कन को, और अब ओनील और कन को खड़ा किया है वेलवेटिन ड्रीम ने, वेलवेटिन ड्रीम हेडलॉक लिया है और यह बहुत ही बड़ी अपरकट वेलवेटिन ड्रीम की ओर से, ये देखिए ओ माय गॉड शोल्डर ब्रेकर, ये काफ़ी यूनिक मैन्यूवर है, ऐसा मूव हमें देखने को बार बार नहीं मिलते, और वेलवेटिन ड्रीम देखिए आम ग्रेट, और यह बहुत ही बढ़िया बिग बोट ब्रेक के बाद बढ़िया कॉम्बो दिया है, और आप देख सकते हैं वेलवेटिन ड्रीम को ऐसे टॉन्ट मार रहे हैं वो, ये उनकी खासियत है हर बड़े मूव के बाद माइंड गेम्स खेलते हैं टॉन्ट मार मार के, इसीलिए उन्होंने इसी तरह जेफ हार्डी को हराया था टेक ओवर शिकागो में,
शिकागो वाले मैच में तो बहुत ही मज़ा आया था। चलो पार्टनर्स, कमेंटेटर्स, दोनों को, मेरे फ्रेंड्स को, दोनों को भी वो मैच बढ़िया लगा था। माय गॉड, देखिए पाउंड कर रहा है कैसा, लेग से टेक डाउन किया, उनके लेग को पकड़ के लेग टेक डाउन किया और फिर राइट हैंड की बोछार की वेलवेट ड्रीम के सिर पर। और ये देखिए ऑन, बहुत ही बड़ी नीन स्ट्राइक टॉप रोप से, लेकिन पिन के लिए नहीं गए। और ये सुप्लेक्स की तैयारी कोशिश की, लेकिन वेलवेटिन ने ब्लॉक कर दिया उस सुप्लेक्स को। और ये देखिए वेलवेटिन ड्रीम, वो बहुत ही बढ़िया रनिंग स्लैप, बहुत ही अच्छा मूव था। हम सीना की याद आ गई इसको देखकर, मैच बहुत ही ऐसे मूव लग रहे हैं। और अब वेलवेटिन ड्रीम फिर से एक बार मिडिल रॉक से क्राउड को शो ऑफ कर रहे थे। और ये देखिए स्लैप दी है, बहुत ही हार्ड स्लैप उनके फेस पे। और ये देखिए ओनली नॉर्कन इसी तरह मैच में वापसी करते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया मूव, बहुत ही बढ़िया मूव, ओनली नॉर्कन वेलवेटिन ड्रीम पे भारी पड़ रहे हैं हर तरीके से। और अब ओनली नॉर्कन, ओ माय गॉड, टॉप रोप लांचा, माफ कीजिएगा टॉप रोप सुसीधा, बहुत ही बढ़िया मूव। एक्साइटमेंट इतना है कि मूव के नाम थोड़े अदला बदली हो जाते हैं, माफ कीजिएगा उसके लिए, सॉरी। लेकिन ओनली नॉर्कन अभी भी मैच में, ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया बैक ब्रेकर, नीचे की ओर साइड स्लैम बैक ब्रेकर दिया उन्होंने। और ओनली नॉर्कन ने अंदर डाल दिया है, वेलवेटिन ड्रीम को रिंग में लाए हैं फिर से एक बार। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज वो क्या करते हैं, वेलवेटिन ड्रीम को हराएंगे या फिर वेलवेटिन ड्रीम विक्ट्री हासिल करेंगे, ये तो हमें इस मैच के अंत पे ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ओनली नॉर्कन इस मैच में और वो रनिंग ओवर हेड नेक ब्रेकर की कोशिश, लेकिन वेलवेटिन ड्रीम ने काउंटर किया, उनको फेंक दिया ऊपर से ही, जबरदस्त काउंटर वेलवेटिन ड्रीम के द्वारा। ओ माय गॉड, सुपर किक वेलवेटिन ड्रीम की तरफ से, सुपर किक दे दिया वेलवेटिन ड्रीम ने। और अब आई रिपीट किया है वेलवेटिन ड्रीम ने ओनली नॉर्कन को कॉर्नर में, और वहां से कॉर्नर टू कॉर्नर आइरिश व्हिप। और उन्हें कह रहे हैं कि स्टे डाउन, उन्हें कह रहे हैं कि स्टे डाउन, बहुत ही बड़ा शब्द है ये, और ऐसा किसी रेसलर को कहना डिसरिस्पेक्ट के बराबर है। और उसी डिसरिस्पेक्ट का जवाब ओनली नॉर्कन ने ड्रॉप किक से दिया। स्टन हो चुके हैं वेलवेटिन ड्रीम। और ये देखिए आप, ये देखिए, और रिवर्स किया, लेकिन ओ माय गॉड, पर्पल रेन मेकर डीडीटी, डीडीटी पर्पल रेन मेकर डीडीटी पिन के लिए, 1 2 3, नो, ओनली नॉर्कन ने किक आउट किया। अभी भी ओनली नॉर्कन किक आउट कर चुके हैं पर्पल रेन मेकर डीडीटी के भी, डीडीटी के ऊपर भी, तो उनका सिग्नेचर मूव है ये। और ये देखिए वेलवेटिन ड्रीम, ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, जैक हैमर गोल्डबर्ग का मूव, ये तो गोल्डबर्ग का मूव है। और अब वो टॉप रोप पे जा रहे हैं अपना फिनिशिंग मूव लगाने, पर्पल रेन मेकर एल्बो, लेकिन रिवर्स कर चुके हैं वो, ओनली नॉर्कन ने वो मूव रिवर्स कर दिया है। और ये बहुत ही बढ़िया रनिंग एसटीओ मैच, कुछ अलग ही पेस पे। और ओनली नॉर्कन बुला रहे हैं, और वेलवेटिन ड्रीम धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। और ये नॉर्कन, नॉर्कन ने कम बैक किया, और ये लेफ्ट टेक डाउन करके फिर से एक बार स्टॉम, माफ कीजिएगा पाउंड किया, राइट हैंड सीधा उनके सिर पे। और अब मिडल रॉप पे, मिडल रॉप पे क्या करेंगे ओनली नॉर्कन, ओ माय गॉड, अपर कट, यूरोपियन अपर कट मिडल रॉप से, क्या ये काफी होगा, 1 2, नो, वेलवेटिन ड्रीम, वेलवेटिन ड्रीम ने किक आउट किया 2.5 पे शायद। शानदार परफॉर्मेंस ओनली नॉर्कन का, इस मैच को यादगार बना दिया है ओनली नॉर्कन ने।
और ये देखिए हाफ नेल्सन सुप्लेक्स, हाफ नेल्सन सुप्लेक्स। ओनील ओपन ऐसे ही अगर खेलते रहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस मैच का, क्योंकि ओनील ओपन जिस तरह से वो खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। ओ माय गॉड, ज़िगज़ैग अपने ओन वर्जन, अपने अलग वर्जन की ज़िगज़ैग, और ये पिन के लिए गए हैं। वन टू, लेकिन फिर भी किक आउट, अभी भी वेलवेट ड्रीम किक आउट कर रहे हैं और क्राउड झूमते हुए, और ये स्लैप की कोशिश, लेकिन वेलवेट ड्रीम फिर से एक और सुपर किक। इस मैच की दूसरी सुपर किक है ये, दूसरी बार सुपर किक का उपयोग किया है वेलवेट ड्रीम ने, और ये देखिए बैक ब्रेकर, फुल बैक ब्रेकर दिया है वेलवेट ड्रीम ने, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और वेलवेट ड्रीम ओ आयरिश विक किया है रिवर्सल, ओनील ओपन फिर से एक बार, क्या वो मैच का रुख पलट सकते हैं, क्या वो पलटाएंगे इस मैच को। ओ माय गॉड, फिर से एक बार वही मूव स्नेक आइज सीधा मिडल रूप में, मिडल टर्न बकल में, और ये देखिए ओनील ओपन फायर्ड अप, अपने फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, लेकिन नहीं वो बल्कि टॉप रोप पे, हाँ जी हाँ टॉप रोप पे जा रहे हैं, वो टॉप रोप पे जा रहे हैं, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया। और वेलवेट ड्रीम ये क्या कर रहे हैं, ड्रीम ड्रीम कुछ अलग ही सोच में, वेलवेट ड्रीम ओ माय गॉड गटवेंट सुप्लेक्स, टॉप रोप से गटवेंट सुप्लेक्स, अनबिलीवेबल मूव, और डेथ वैली बॉम्ब वेलवेट ड्रीम की तरफ से, वन टू थ्री, वेलवेट ड्रीम ने विक्ट्री हासिल कर ली है। और ओनील ओपन का गजब का परफॉर्मेंस, वेलवेट ड्रीम के सामने इतना टिक पाना बहुत ही मुश्किल है, और ओनील ओपन ने वो बखूबी किया, भले ही वो जीते नहीं लेकिन बहुत ही बढ़िया फाइट दी है ओनील ओपन ने आज। और आप देख सकते हैं पर्पल रेन मेकर एल्बो कोई भी ट्राई की थी लेकिन वो नहीं लग पाया, और ये यूरोपियन अपरकट देखिए, वो बहुत ही बढ़िया, उनका एलिवेशन आपने देखा ही होगा किस तरह से वो मूव लगा था। तो ये मैच तो बहुत ही शानदार था, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट सेगमेंट की ओर, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को वीडियो आएगा और वो होगा NXT टेकओवर सिएटल। और ये क्या वेलवेट ड्रीम ये क्या कर रहे हैं, वेलवेट ड्रीम तो चेयर लाए हैं, वो शायद वो पनिश करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओ टाइलर बेट आ चुके हैं, टाइलर बेट ने वो चेयर ले ली है, टाइलर बेट ने बचा लिया है ओनील ओपन को, वेलवेट ड्रीम, और बहुत ही बढ़िया सेव किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीक होगा NXT टेक ओवर सिएटल, और लेकिन अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ना किया तो वो भी कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीक आप चूकना नहीं चाहोगे, क्योंकि NXT टेक ओवर सिएटल एक गजब की ब्रांड वॉरफेयर होने वाला है, वॉर होगी वहाँ पे NXT और SmackDown Live के बीच, और इसीलिए आए हैं NXT के COO, WWE के COO और NXT के चेयरमैन, जनरल मैनेजर, आप जो भी कहे, इंचार्ज HHH आ चुके हैं। देखिए आप पीछे टी शर्ट में दिखाई है हैशटैग VRNXT, और मुझे अपने आप पे भी प्राउड है क्योंकि मैं इस ब्रांड का हिस्सा हूँ, कमेंट्री दे रहा हूँ, और आप देख सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस देखिए ट्रिपल एच का। कुछ अनाउंस करने के लिए आए हैं आज, देखते हैं कि वो अनाउंसमेंट क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। और ट्रिपल एच अपने आइकॉनिक पोज में, जी हाँ ये तो मेरी चाइल्डहुड की यादें हैं, इसे ही देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, ट्रिपल एच हर बार उनकी एंट्रेंस पे मैं ऐसे ही तैयार रहता हूँ,
बहुत ही मजा आता है ट्रिपल एच को देखने में। और यह क्या, ओ माय गॉड, यह कौन है? ओ शेन मैकमैन, शेन मैकमैन, शेन मैकमैन अटैक कर रहे हैं, ट्रिपल एच के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये क्या, लार्ज सलीवन ढूंढ रहे, ओ माय गॉड, रैंडी ऑर्टन भी यहाँ है, टीम स्मैकडाउन के मेंबर आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर। और ये क्या, अभी भी ओ माय गॉड, नो 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 नो, दूसरी बार आरकेओ, सेकंड आरकेओ रो में, टू आरकेओ इन अ रो। और मिस भी यहाँ है और एडम कोल पे, इसका मतलब है पूरी स्मैकडाउन यहाँ पे आई है। और ये देखिए अटैक कर रही है, और मिस एडम कोल को अटैक कर रहे हैं। और ये देखिए, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्रूटल तरीके से, ये तो इन्वेजन है, स्मैकडाउन का एनएक्सटी में। और मिस ने फिर से एक बार, ओ माय गॉड, लॉकर में सीधा धकेला एडम कोल को। और ये मिस क्या कर रहे हैं, नो, पावर बॉम्ब, पावर बॉम्ब दे दिया है, पावर बॉम्ब लॉकर रूम में। और जॉनी गार्गानो बचाने के लिए जा रहे हैं ट्रिपल एच को, लेकिन एज स्टाइल ने ड्रॉप किक दे दी है जॉनी गार्गानो को। सभी लोग एनएक्सटी के सभी लोग को स्मैकडाउन लाइव के मेंबर्स मार रहे हैं। और ये देखिए समो जो भी एलेस्टर ब्लैक पे अटैक कर रहे हैं, ओ माय गॉड, ऐसा पहली बार हुआ है एनएक्सटी की हिस्ट्री में। और ये क्या, मसल बस्टर, और वो भी चेयर पे, उनका हेड टकराया है चेयर पे। और स्टाइल्स गार्गानो पे अटैक कर रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ओ माय गॉड, थ्रो कर दिया है स्टेज के ऊपर से सीधा नीचे की ओर, स्टेज के ऊपर से सीधा नीचे की ओर पावर बॉम्ब दे दिया है। और अब एज स्टाइल्स, ओ नो, स्टाइल्स क्लैश ऑन द फ्लोर, स्टाइल्स क्लैश ऑन द फ्लोर। और शेन मैकमैन अभी भी असॉल्ट कर रहे हैं ट्रिपल एच के ऊपर, ओ माय गॉड, पोस्ट टू पोस्ट ड्रॉप किक, पता ही नहीं ये क्या हो गया।